अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर क्रिकेट वीलॉग। जी हमारी ऐसी हालत होती है फ्राइडे के दिन, हमारा बस नहीं चलता कि हम तैयार रहें इसी तरह क्रिकेट में मैच खेलने जाने के लिए। और ये हम लोग ग्राउंड नंबर 6 पहुंच गए हैं EPCA के। आप देख सकते हैं ग्राउंड बड़ा ही शानदार ग्राउंड है ये। डगआउट में बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग एरिया है बैठने की जगह। और सुरेंद्र टीम आ गई है ये लड़के ग्राउंड की तरफ आते हुए। वकास असलम बहुत बड़े बॉलर हैं, फास्ट बॉलर खोबर रेंजर्स के, हर कोई जानता है इन्हें। वकास कुछ बोलना पसंद करेंगे आप? जी माशाल्लाह ये सीजन हमारा स्टार्ट हुआ है तो बहुत मज़ा आ रहा है। सीजन की एंजॉय कर रहे हैं, हमारा पहला मैच था, अच्छे रन रेट से जीते हैं, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रखेंगे। चले वकास, हम आपसे अच्छी बॉलिंग हर मैच में एक्सपेक्ट करते हैं, गुड लक। ऑनर ऑफ खोबर रेंजर्स वेब, क्या बोलना पसंद करेंगे आप? ये सीजन स्टार्ट हुआ है कुछ आपके दो बार? अल्हम्दुलिल्लाह यार, नया सीज़न स्टार्ट हुआ है। पहली आप लोगों के ब्लॉग से पता चल गया होगा कि बड़ी अच्छी जीत थी। आज हमारा टफ मैच है थोड़ा डेल्टा के साथ, बड़ी अच्छी टीम है वो, तो माशाल्लाह लड़के फुल पंप हुए लास्ट मैच की वजह से, और बड़ा अच्छी हमारी पॉजिटिवनेस आई है बड़ी जीत के बाद। मैच तो कैसे देख रहे हैं? डेल्टा से मैच है, कैसी टीम है डेल्टा? और कुछ ऊपर आई है, और पिछले दो मैचेस अगर देखे जाएं तो उन्होंने बड़े अच्छे फाइट किए हैं उन्होंने उसके अंदर, तो बड़ी फाइटिंग वाली टीम है। ये कैप्टन है और ये एम्पायर्स हैं। मैच से पहले डी फॉर्म देना जरूरी होता है। दोनों टीम अपनी प्लेइंग 11 एम्पायर्स को बताते हैं। आप लोग अपनी रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट देते हैं। आज मौसम काफ़ी गर्म है और हवा भी काफ़ी रुकी हुई है, तो आप पिच रिपोर्ट देखिए। पिच का बैटिंग विकेट है, बिल्कुल चेन विकेट है, तो यहाँ पे रन बहुत आराम से बनते हैं। और ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, ग्राउंड देखेंगे आप, ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे स्कोर सिंगल के डबल और डबल के ट्रिपल बहुत ही स्क्रीन से बनते हैं। कोई भी टीम अगर यहाँ पे टॉस जीतती है तो वो डेफिनेटली बैटिंग के लिए जाएगी। ये डेल्टा की कैप्टन जैन, कोबर रेंजर्स की कैप्टन टेल्स द कॉल। एंड कोबर रेंजर्स वॉन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट फर्स्ट। जैन टॉस जीत गए जी, क्या प्लानिंग है आज टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं? प्लान ये था कि टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे। चलें गुड लक करेंगे, फिर अगर हवा भी इतनी नहीं है सही है, लग रहा है कि मतलब अच्छा मैच होगा। ठीक है चलें, गुड लक फ्रेंड। एक यूनिट बन कर खेल रहे हैं, जीत खेल का हिस्सा है, बाकी अल्लाह ताला को देने वाला है इंशाल्लाह। बस यार ठीक है, जैसे खेले लास्ट मैंने बैटिंग की है वैसे बैटिंग करनी है अभी। और खोबर रेंजर्स को पहला धचका इमरान मानी की विकेट जल्दी गिर गई थी, जो कि इमरान मानी सुपरस्टार बैट्समैन है। लास्ट मैच में भी इन्होंने 100 बनाया था, 100 रन किए थे, और इस मैच में नहीं चल पाए और 15 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए मानी को रिप्लेस करते हैं जीशान विकेट कीपर बैट्समैन। और मानी के आउट होने के बाद राइफ और दीशान ने पार्टनरशिप लगाई, विकेट पर स्टे किया और दोनों तरफ से रन बटोरे। और इसके बाद ही राइफ आउट हो गए और राइफ पवेलियन की तरफ लौटते हुए 36 रन बनाए राइफ ने। और राइफ को रिप्लेस करते हुए जैन, इसके बाद जैन और दीशान ने खुलकर शॉट्स खेले, चारों तरफ ग्राउंड के रन्स बनाए।
और जैन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए जैन को रिप्लेस किया मोइस ने। मोइस की एडिशन कोबर रेंजर्स में आज पहला मैच था जो कि बहुत ज़बरदस्त एडिशन है। मोइस बड़ी हिट मारने के लिए माने जाते हैं और बेहतरीन फील्डर हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो कोबर रेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी एडिशन साबित हुई। ये खबर रेंजर्स डग आउट में एंजॉय करते हुए खतीब और ये शायकीन और खबर रेंजर्स के सपोर्टर्स, टीममेट्स, बैट्समैन की बैटिंग का लुत्फ उठाते हुए बाउंड्रीज, छक्के, चौके देखते हुए। और इस शॉट के साथ मोइस अपनी 50 पूरी करते हुए और इसमें मज़े की बात ग्राउंड के अंदर छक्के चौके लग रहे हैं और ये ग्राउंड के बाहर भी चौके छक्के लग रहे हैं। और ये शॉट, व्हाट अ शॉट आरिफ, छक्के ब्रिलियंट शॉट और स्कूप आरिफ, व्हाट अ शॉट। और इसके साथ ही पहली इनिंग्स ख़त्म हुई। कोबर रेंजर्स ने 4 विकेट के नुकसान पे 228 रन बनाए और 229 रन का टारगेट डेल्टा सीसी को दिया है। मोइस और अब्दुलरहमान दोनों बैट्समैन नॉट आउट पवेलियन की तरफ लौटते हुए सारे प्लेयर्स इन्हें शेक हैंड करते हुए तारीफ़ करते हुए। चले जी। और ये दूसरी इनिंग का स्टार्ट हो गया। दूसरी इनिंग के स्टार्ट में दोनों ओपनर्स ने काफ़ी बड़ा स्टे दिया मगर कोबर रेंजर्स की बहुत शानदार बॉलिंग की वजह से टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए तेज स्कोर नहीं कर सके। और वक्फे वक्फे से डेल्टा सीसी की विकेट गिरती रही और शानदार बॉलिंग अब्दुलरहमान की जाने से जिन्होंने 4 विकेट्स लिए। और दूसरी इनिंग भी इख्तिताम को पहुंची। शेक हैंड्स ऑल अराउंड, डेल्टा सीसी की टीम और कोबर रेंजर्स की टीम सेलिब्रेट करते हुए। कोबर रेंजर्स टीम कैसा रहा आज का मैच? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छी विक्ट्री थी और हम लोगों ने अच्छा और दो मैच हो गए आप लोगों के और दोनों में आप माशाल्लाह आपकी विक्ट्री हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, थैंक यू। और अच्छा खेले, इसी तरह जो ना वो अपनी ट्रेनिंग जो है ना उस मोमेंट को बरकरार रखें। थैंक यू कोच साहब। ये हमारे कोच साहब हैं कोबर रेंजर्स अशोक भाई, हमारे आज के खतरनाक बॉलर। इन्होंने मानी को आउट किया है आज, सब कह रहे थे कि ये सबसे खतरनाक बॉलर है। अशोक अन्ना क्या कहेंगे आप? अब आपको ऑफर दूर दूर से आएंगे बॉलर लेने के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे टीमों के लिए? चलो इंशाल्लाह, गुड लक यार, गुड लक। चलो ये चीज़ों का मैं बहुत ख्याल करना और टॉस जीत के बैटिंग, फिर से वही मानी जल्दी आउट हुआ तो
पीछे जितने भी हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, राइट ने अच्छा स्टार्ट दिया मैच को लेकर, फिर आगे जी ने आगे जी का फिर कह सकते हैं कि वेदर कंडीशन ऐसी थी कि प्लेयर्स खुद ही आउट होना होकर बाहर आना चाह रहे थे, वरना जी की आराम से 100 बनती थी। तो 77 रन जी थे और मैन ऑफ द मैच थी। कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच वकास। पिछले मैच में बहुत तेज भागे थे, आज कैच जबरदस्त किया। एनवायरमेंट अच्छा था, ग्राउंड अच्छा था, ये अच्छा था, तो अभी और इम्प्रूव करना है, थोड़ा और मसला है एक्चुअली, हमें दो तीन फिल्टर का थोड़ा इशू आ रहा है, तो वो अच्छा था, बाकी में कवर करना हमको। तो ये दोनों मैच जो हमारे थे एक हिसाब से जो हल्के मैच थे उसमें, अभी जो सही मैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे नेक्स्ट, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे लड़के पूरे रहेंगे और इंशाल्लाह सब मैच खेलेंगे पूरा। और अब मैच शुरू, असल मैच शुरू हमारे पास, तो गुड लक सबको यार। तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको ये वीलॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट में और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।